इस समय भीषण जल संकट से जूझ रही है। चाणक्यपुरी के संजय कैंप में लोग पानी की एक एक बूंद के लिए तरस रहे हैं। वाटर टैंकर के आते ही लोगों की लंबी लंबी कतारें लग जाती हैं और पानी के लिए टैंकरों पर चढ़ जाते हैं। देखिए संजय कैंप से हमारे सहयोगी मणिदीप शर्मा की खास रिपोर्ट। देश की राजधानी दिल्ली में लगातार पानी की किल्लत हो रही है। कई इलाके ऐसे हैं जहां पर बूंद बूंद पानी के लिए भी लोग तरस रहे हैं। ऐसे में चाणक्यपुरी का जो एक संजय कैंप इलाका, ये देखिए पानी का टैंकर यहां पर आया है। और ये देखिए पहले से ही लोग, नज़ारा देखिए आप, और तमाम जो सरकारी दावे हैं उनकी खुलती हुई पोल को आप समझिए कि गर्मी इतनी ज़्यादा है, पानी की इतनी ज़्यादा कमी है। ये टैंकर आपके सामने इस समय यहाँ पर संजय कैंप में आ रहा है। और ये देखिए नज़ारा, टैंकर के आते ही कितने सारे लोग यहाँ पर पानी के लिए इस तरह टूट पड़े हैं। सभी के हाथ में अपने अपने पाइप हैं। जो पुरुष हैं वो टैंकर के ऊपर चढ़ जाते हैं, लेकिन जो महिलाएं हैं, महिलाएं जो हैं नीचे बर्तन लेकर के रहती हैं। रोज़ का सर ऐसा नज़ारा होता है? सर हर रोज़ का यही हाल है। अच्छा, हर रोज़ का है। टैंकर आती है, इसी तरह से पब्लिक टूट पड़ता है पानी के लिए। मतलब हम लोग इस तरह से हर रोज़ पानी भरते हैं, हर रोज़। कितनी बार टैंकर आ पाता है? सर एक बार, अभी सुबह आ गई है, अब एक सिर्फ कल आएगी फिर सुबह में। जाहिर सी बात है, नज़ारा आप देखिए इस समय कि महिलाएं नीचे हैं, बच्चे नीचे हैं, और जो पुरुष हैं, जो लड़के हैं, युवा हैं, वो ऊपर टैंकर के चढ़ गए हैं, ताकि जो दिल्ली जल बोर्ड का टैंकर आया है पानी को लेकर के, जो पीने का पानी है उसको ये लोग यहाँ पर भर रहे हैं। NDMC के उधर देखिए, NDMC के कर्मचारी भी मौजूद हैं, जो लोग यहाँ पर सामंजस्य वो लोग बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर वो जो तारतम्यता है, वो जो एक ऑथेंटिसिटी है, वो नहीं बन पाती है, क्योंकि लोग इतने ज़्यादा हैं, टैंकर एक है, और देखिए कितनी ज़्यादा मारामारी है, पाइप से लटक रहे हैं यहाँ पर। और जिन लोगों को पानी मिल गया, आपको मिल गया भाई साहब पानी? हाँ, भीड़ में मिल गया है। तो देखिए जिनको मिल गया है वो अपना बर्तन को भर के देखिए साइड में रख रहे हैं, लेकिन जिन लोगों को नहीं मिला है, क्योंकि मशक्क़त बहुत कड़ी है, ऊपर से पाइप्स जो हैं वो टैंकर से नीचे की तरफ डाले गए हैं, नीचे बर्तन हैं, और जो महिलाएं हैं वो नीचे की तरफ पानी के लिए जूझ रहे हैं। रोज़ का नज़ारा है, और आखिर क्यों, जब गर्मी का इतना ज़्यादा मौसम है, इतनी ज़्यादा जब किल्लत है, तो फिर टैंकर्स की जो संख्या है वो क्यों नहीं सरकार के द्वारा यहाँ पर बढ़ाई जाती है, ये एक बड़ा सवाल यहाँ पर आप कह सकते हैं। खाली बर्तन है, देखिए कितने सारे खाली बर्तन हैं, जो भर लिए जा रहे हैं उन्हें यहाँ पर साइड में रखा जा रहा है, ये भर लिया गया है। और ये देखिए इनको कैन को लेकर के यहाँ से चली गई हैं, जो भरा जा रहा है उसको लेकर के जा रहे हैं, और घर से जो दूसरे सदस्य हैं वो भाग भाग करके जो दूसरे बर्तन हैं उन्हें लेकर के आते हैं, क्योंकि पानी का टैंकर, ये पीने का पानी है, पीने का पानी का टैंकर दिन में एक बार इस तरीके के तमाम जो कैंप्स हैं दिल्ली में वो यहाँ पर आता है। लेकिन सरकार और जो तमाम प्रशासनिक इकाई हैं वो केवल ज़ुबानी जमा खर्च करती हैं, लेकिन जो सच्चाई है वो इस तरह कसैली है, इस तरह कड़वी है, और इस तरह तपती और प्यासी दिल्ली को दिखाती है। वीडियो जर्नलिस्ट है संजय कुमार के साथ मणिदीप शर्मा, न्यूज़ नेशन।